हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो लिब्रा बेस डेटाबेस की है। आइए समझते हैं लिब्रा बेस डेटाबेस। इसमें कैलकुलेशन सारे समझेंगे हम, तो यहां से देख सकते हैं लिब्रा मैंने ओपन कर रखा है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो क्या जरूरत है लिब्रा बेस डेटाबेस यूज करने की, क्या फायदा है इसका। सबसे बड़ा फायदा है कि आपको ये ओपन सोर्स है, आसानी के साथ नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक्सेस के लिए तो आपको दुकान पर जाना पड़ेगा। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन चाहिए तो जाकर डलवाएंगे, तो 150 वहां देंगे तो क्रैक व्रैक रखे रहते हैं सब, तो डाल देंगे सब, ठीक है। तो यहां पर आपको डायरेक्टली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ बेस डेटाबेस पे जाइए, नेक्स्ट पे जाइए, ठीक है, लीगली वो सब डाल देंगे सब, और यहां पर आ जाइए और ये फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो यहां पर आएंगे और यहाँ बाई डिफॉल्ट जो नेम आ रहा है मैं उसी को रख लेता हूँ। अब इसका फायदा दिखाता हूँ, इसको यूज करने का क्या फायदा है। अब यहाँ दिया हुआ है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर एंटर कर दो, तो जैसे एंटर करेंगे तो ये इस तरह से हमें ये डिजाइन व्यू नजर आएगा। यहाँ पर करना क्या है, देखिए सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पर हमको फील्ड लेनी है, तो फील्ड नेम में मैं क्या दे देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ रोल नंबर, ठीक है, स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, तो यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है, ये रोल नंबर लिख दिया। अब यहाँ पर आपको बहुत सारा डेटा टाइप मिल जाता है, देखिए ना इतना डेटा टाइप आपको मिल जाता है, तो अभी रोल नंबर ही रहने देते हैं, इसको टेक्स्ट वेयर कैर डेटा टाइप ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देंगे, तो ये लिख दिया मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये दूसरा यहाँ पे फील्ड नेम मैंने ले लिया और यहाँ पर आ गए, और इसको भी वेयर कैर ही रखेंगे। यहाँ पर आएंगे तो देखिए दो तीन सब्जेक्ट को ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कंप्यूटर, ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर, ओके, और यहां पर दूसरा सब्जेक्ट ले लेता हूं मैथ, मैथ्स कर लेता हूं, और यहां पे तीसरा सब्जेक्ट ले लेता हूं साइंस, ठीक है, एस सी आई ई एन सी ई, तीन सब्जेक्ट ले लिया ना मैंने। और यहां पे कर देंगे, अब छोड़ दीजिए, टोटल टोटल नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं। और यहां से इसको ड्रैग करवा लेते हैं ताकि ये दिखाई देगा साफ साफ। अब ये जो वेयर कैर डेटा टाइप है जो कि हमने कंप्यूटर में दे रखा है इसको हटा देंगे, ठीक है। क्या करता हूं मैं, वेयर कैर डेटा टाइप को मैं क्या कर देता हूं, सिंपली यहां पर देखिए बहुत सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आप इंटीजर कर दीजिए, इंटीजर करेंगे तो हम कैलकुलेट आसानी के साथ कर सकते हैं, तो मैं यहां पर भी क्या करता हूं इंटीजर ही कर देता हूं, तो ये इंटीजर ले लिया हमने, और यहां पर भी इंटीजर ही ले लेता हूं, तो यहां पर भी कर देते हैं हम इंटीजर, ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पर इंटीजर हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे टेबल वन आ रहा है, यहाँ पर मैं कोई और नाम भी दे सकता हूँ इजिली, तो ये मैं दे देता हूँ एस डेटाबेस, एस डेटाबेस यानी स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है, ये कर दिया हमने और एंटर प्रेस कर दिया। तो अभी ये कह रहा है कि प्राइमरी की तो असाइन नहीं की है आपने, याद है आपको एक्सेस में प्राइमरी की चला करती थी, यहाँ पर भी प्राइमरी की है, तो इसको आपको असाइन करना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप ये आ जाएगा ऊपर, तो हम इसको असाइन कर देते हैं ना, कहीं लिए अपने आप आएगा। यहाँ पर प्राइमरी की राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ प्राइमरी की दिखाई पड़ेगा, यहाँ प्राइमरी की पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये प्राइमरी की आ जाएगा, ठीक है, आ गया ना प्राइमरी की। अब हमको क्या करना है, इसको अब इसको क्लोज कर देते हैं, तो अब देखेंगे कि एस डेटाबेस यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, अब इस पर डबल क्लिक कीजिए, अब यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड एंटर कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए वन एंटर किया और रोल नंबर, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया राम, और यहाँ पे कंप्यूटर में मार्क्स आ गए, ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट में मार्क्स आ गए यानी मैथ्स में मार्क्स आ गए, और यहाँ पे साइंस में आ गए, आप आगे और भी सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए रोल नंबर टू कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं कर देता हूँ श्याम, ठीक है, और यहाँ पर आऊंगा तो कंप्यूटर में मार्क्स आ गए, दूसरे सब्जेक्ट में आ गए, और ये तीसरे सब्जेक्ट में आ गए, तो ये तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, ठीक है। अब क्या मैं यहाँ पे रोल नंबर टू रिपीट कर सकता हूँ, रोल नंबर टू दे दीजिए, रिपीट हो रहा है, बहुत बढ़िया, ये तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा अगर रिपीट होगा, तो अभी तो रिपीट हो रहा है, चलिए आगे देखते हैं रिपीट होता है या नहीं। तो ये हो गया, अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो देखिए ये प्रॉब्लम है, प्राइमरी की आपने लिया है तो प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, ये कह रहा है डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेंगे हम, ठीक है, जान जाइए, तो मैंने गलत नहीं बताया, सही बताया है, तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए आप, यहाँ पे आपको थ्री करना पड़ेगा तभी ये जाएगा, ठीक है, थ्री या कोई और वैल्यू देंगे जो कि इसमें ना हो, डुप्लीकेट वैल्यू ये नहीं लेता है प्राइमरी की, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद इसको भी आप सेव करके क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्लोज करता हूं, ये पहले से ही सेव है, ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं यहां से, ये क्लोज कर दिया हमने, तो ये अब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्वेरी डिजाइन करनी है क्योंकि हमें टोटल एवरेज वगैरह वगैरह ये सब चीजें भी कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो चलिए आइए देखते हैं
कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ये क्वेरी दी हुई है, क्वेरीज लिखा हुआ है ना, इसी पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे और यहां पर क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, तो इसी पर क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर देखिए यही आपके डेटाबेस का नाम था ना, तो ये टेबल ले लीजिए, कोई क्वेरी तो अभी फिलहाल बनाई नहीं है, तो यहाँ पे ये टेबल ही ले लेता हूं। अब ये देखिए छोटा हो गया टेबल, हुआ तो यहाँ से खींच के बड़ा कर दीजिए इसको, यहां से ऐसे खींचेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा, और यहां से साइड से इसको खींच दीजिएगा तो इधर से भी ये बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये बड़ा हो गया। अब यहां पर रोल नंबर ले लेता हूं, इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, ये आ गया रोल नंबर। फिर यहां पर डबल क्लिक करते हैं, ये आ गया नेम ऑफ स्टूडेंट। कंप्यूटर पर डबल क्लिक करते हैं, फिर मैथ्स पे कर देते हैं, और अंत में साइंस पे कर देते हैं। टोटल तो अभी ने किया, तो टोटल का क्या है, तो यहां पर देख सकते हैं अलियास लिखा हुआ आ रहा है ना, तो यहां पर आप क्लिक कर दीजिए और यहां पर दे दीजिए टोटल मार्क्स, एम ए आर के एस। ठीक है, तो ये दे दिया, और ये जो ऊपर दिख रहा है ना यहीं पर क्लिक रखिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, आपको बढ़िया से दिखाई पड़ेगा एकदम अच्छे से। आपको याद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट बना करके कैलकुलेट किया करते थे, याद है ना। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको डबल एंटेड कोट्स देना है। ये दे दिया आपने, कौन कौन सा सब्जेक्ट है काउंट करिए, ये कंप्यूटर हो गया, ये लिख दिया मैंने कंप्यूटर। ठीक है, डबल एंटेड कोट्स क्लोज, प्लस का साइन लगाया। अब क्या है, मैथ्स है, तो ये लिख दिया मैथ्स। ठीक है, इस तरीके से मैथ्स लिख दीजिए। ठीक है, और अब इसको यहां से डबल डॉट कॉमा ओपन करेंगे तब ना क्लोज होगा, तो ये ओपन और क्लोज, फिर प्लस कीजिए और एट लास्ट साइंस कर दीजिए, तो यहां करिए एस सी आई ई एन सी ई, तो ये साइंस भी हो गया। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट हो गए। इस डबल डॉट कोर्स को यहां से क्लोज कीजिए, और ये जो है आपका, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूं, ये देखिए ये हो गया, इसको ओपन फिर क्लोज, तो ये हो गया। अब ये टोटल मार्क्स लिखा हुआ आएगा वहां पर, जब आप इसको रन करवाएंगे, सेव करेंगे, रन करवाएंगे, तो टोटल मार्क्स कैलकुलेट होकर आएगा, और ऊपर हेडिंग क्या लिखी होगी, टोटल मार्क्स लिखी होगी। आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा, पहले इसको सेव कर लेता हूं। ठीक है, ये क्वेरी वन आ रहा है, चले क्वेरी वन के ही नाम से सेव कर लेते हैं, सेव हो गया। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं, यहां से क्लोज करें, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेरी बनी हुई है, इस क्वेरी पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा ये टोटल मार्क्स, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अगर इसी तरह से आप एवरेज भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या आराम से कर सकते हैं, कैसे करेंगे आइए दिखाता हूं। यहां से इसको पहले हम क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे, तो ये हमने कैलकुलेट किया था, अब यहां पर हमको एवरेज कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर डबल एंटेड कोर्स ओपन करना है, फिर यहाँ लिखना है कंप्यूटर। ठीक है, पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर ही है ना, भले ही आपने ऐड कर दिया है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर प्लस किसको किसको ऐड करना था, मैथ्स को ऐड करना था, तो एम ए टी एच एस, जो स्पेलिंग है बिल्कुल वही स्पेलिंग आपको लिखनी है, ये गलती नहीं करनी है कि अलग अलग स्पेलिंग आपकी हो जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, केस सेंसिटिव भी थोड़ा सा ये है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका साइन लगाया और यहाँ पर आप साइंस कर देंगे, तो ये कर दिया मैंने एस सी आई ई एन सी ई, साइंस हो गया, और इसको क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद क्या करना है आपको, अपॉन थ्री कर देना है, क्योंकि थ्री ही सब्जेक्ट है तो इसीलिए मैं थ्री कर रहा हूं। ठीक है, अब ये देखिए आंसर ऊपर आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको रन करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने रन करवाया तो आपने देखा यहां पर एवरेज भी कैलकुलेट होकर आ रहा है, क्योंकि हमने इंटीजर लिया था तो पॉइंट में ये नहीं आएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि बात ये आपके समझ में आ रही होगी। इसी तरह से अगर आप ग्रेड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप ग्रेड भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ग्रेड कैलकुलेट करना अगले वीडियो में सिखाऊंगा आपको। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।